छत्तीसगढ़ की बात होती है तो बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा होती है, बहुत सारी बातों की चर्चा होती है जो सरकार आगे करने जा रही है। पीआर के इस दौर में जो पीआर की राजनीति है, बड़ा मुश्किल होता है कि एक मुख्यमंत्री ये कहे कि हमारे पास जो दर है कुपोषण की वो इतनी है और इसको हमको खत्म करना है, यानी अपनी खूबियों की जगह उन खामियों का जिक्र कर रहे हैं जिसको चैलेंज की तरह लिया जा रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनके इस साहसिक सोच को सलाम कीजिए आप। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि खामियों पर, जो कमियां हैं उस पर चर्चा की जाए, लेकिन ये एक सही अप्रोच भी दिखाता है कि आपको कहां ठीक करना है। तो क्या पूरा रोडमैप है आपका जो कुपोषण को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, सुपोषित छत्तीसगढ़ को बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है और ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। 39.9% लोग यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। दूसरा जो आंकड़ा है वो 37.6% जो बच्चे हैं 5 साल के, वो कुपोषण की शिकार है। तीसरा आंकड़ा है 41.5% 15 साल से 49 साल की उम्र के बीच की जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित है। अब सवाल ये उठता है कि हम यदि हमारे 37% बच्चे कुपोषित हैं, 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और जो 15 साल से 49 साल की उम्र में है, यदि वो जो लड़की 15 साल की उसकी शादी होगी और शादी होने के बाद जो बच्चा होगा जो खुद खून की कमी से जूझ रही है, तो बच्चा भी कमजोर ही होगा, बौना होगा, विकलांग होगा। जब शारीरिक रूप से विकास उनका नहीं होगा फिर मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर बहुत कमजोर होगा। यदि आने हम छत्तीसगढ़ को यदि मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, पुष्ट छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं, तो जब तक कि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम लोग कुपोषण के से बाहर नहीं लाएंगे तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए इसे हमने एक चुनौती के रूप में लिया है और इसकी शुरुआत हमने बस्तर से किया, दंतेवाड़ा से किया, बस्तर से किया, सुपोषित बस्तर, और अभी सभी जगह हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है और इसमें पूरे प्रदेश में जहां जिन जिन गांवों में, जिन जिन शहरों में या मोहल्ले में जो बच्चे कुपोषित हैं, महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए सुपोषण का कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। आप ये कहते हैं कि कुपोषण जो है प्रदेश के लिए नक्सलवाद से बड़ी समस्या है, इस बयान का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, यदि आंकड़े के हिसाब से देखें नक्सल बड़ी समस्या है, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। एक भय का वातावरण है और कोई स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकता, आजादी की सांस सांस नहीं ले सकता, सब डरे सहमे से रहते हैं। लेकिन यदि नक्सली यदि आदिवासियों को मार रहे हैं या हमारे जवानों की हत्या कर रहे हैं तो उसकी संख्या कितनी है? जितने छत्तीसगढ़ में रोड एक्सीडेंट में जितने लोग की मौत होती है वो आंकड़े अधिक ही निकलेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बहुत बौने नजर आएंगे जब आप देखेंगे कि 5 साल के जो बच्चे हैं वो 37% मतलब छत्तीसगढ़ के 1/3 से भी अधिक जो बच्चे हैं वो कमजोर होंगे, आधा से थोड़ा से कम महिलाएं वो कमजोर होंगी, तो हम मजबूत छत्तीसगढ़ की बात करें, एक पीढ़ी है वो कमजोर हो जाएगा। तो फिर यदि लोग ही कमजोर होंगे तो समस्याओं से कैसे लड़ेंगे? विवेकानंद जी ने ये कहा कि
हमको मजबूत लोग चाहिए, यदि भारत को मजबूत करना है तो हमारे लोग बलिष्ठ होना चाहिए, और जब बलशाली होंगे तो फिर जब शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा। लेकिन भारत को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो बच्चों को बलिष्ठ होना ही चाहिए, बलवान होना चाहिए, ताकि वो आने अपनी उसके जीवन में आने वाली जो समस्या है उससे वो लड़ सके। तो इस लड़ाई बहुत सारी समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ के सामने, बड़ी चुनौतियां हैं, और उससे कौन लड़ेगा, ये आने वाली पीढ़ी ही लड़ाई लड़ेंगे, और यदि शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो फिर तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और इसलिए मजबूत छत्तीसगढ़ के लिए कुपोषण के खिलाफ, एनीमिया के खिलाफ हमको संघर्ष करना होगा। अच्छा, ये आंकड़ों का जबरदस्त एक जो पूरा पीछे से देखें तो ये जो 37% का फिगर आया है, इससे पहले हम सुनते आ रहे थे कि कुपोषण में इतने प्रतिशत की कमी आई, कुपोषण कम होता जा रहा है, हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम 3 साल में यहां पहुंच जाएंगे, 5 साल में यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन असल स्थिति जो अब आंकड़े आए हैं वो वाकई चौंका रहे हैं कि 15 साल में 18 साल में फिर क्या हुआ। और जब ऐसी सरकार जिसको पूरे देश में पीडीएस के लिए अवार्ड मिलते थे, ऐसी सरकार जो कुपोषण पे 450 करोड़ रुपए खर्च करती थी, तो कहां पे पिछली सरकार, जाहिर तौर पे अगर 37% आज के आंकड़े हैं तो ये पिछली सरकार की नाकामी है माना जाएगा, लेकिन कहां गड़बड़ी थी? आपने एनालाइज किया कि नीति गड़बड़ थी या उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ियां हुई। सुपोषण का अर्थ ये नहीं कि पेट भर जाना है, आप चावल ही चावल खा लेंगे, रोटी रोटी खा लेंगे या और कुछ चीजों से आप अपना पेट भर लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ होंगे। आज जो पैमाना है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, और उसकी पूर्ति बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उससे होती है, या तो आप कैप्सूल खा लें तो, लेकिन वो कोई हल नहीं है, या सप्लीमेंट्री फूड जो देते हैं आजकल बहुत सारे विभागों में सप्लीमेंट्री फूड के जो एजेंसियां हैं वो आती है, ये सप्लीमेंट्री फूड दे दीजिए। तो जब हम नेचुरल रूप से यदि किसी चीज को देते हैं, फल दें, सब्जी दें, अचार दें, और वो सारी चीजें दें जो स्वाभाविक रूप से वो सारे तत्व सारे विटामिन उसको मिलेगा। अभी बस्तर में हम लोगों ने देखा, जब इस सुपोषण योजना हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो केवल चावल खा लेते थे, नमक खा लेते थे, सब्जी हाथ नहीं लगाते थे। फिर उनको समझाया गया कि इससे आपको ये तत्व मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा, और इससे आपको आप स्वस्थ होंगे, ताकतवर होंगे। फिर लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीजों को लेना शुरू किया है। तो आपको जो भोजन के जो हैबिट्स है उसमें भी आपको उस सारी चीजों को शामिल करना होगा। जो सारी चीजें हमको चाहिए तो सप्लीमेंट्री फूड के रूप में नहीं, बल्कि भोजन में वो सारे तत्व आ जाना चाहिए जिससे शारीरिक विकास हो। और वही आप चावल भर दे दिए या रेडी टू ईट दे दीजिए, लेकिन उससे कुछ अंतर आया क्या? तो आज जैसे हमने सरकार में आते सबसे पहले सवाल हमने कहा कि डीएमएफ का जो पैसा है आप कितने हजार करोड़ खर्च करेंगे, वो किसी ने कहा 3000 करोड़, किसी ने 4000 करोड़, स्वीकृत बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा, अधिकारियों से, कि जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो बोले कुछ नहीं, न पहले का कोई डाटा है ना आज कोई डाटा है, लेकिन जो नजरी रूप से जो देख रहे हैं उसमें देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं बोला ये सारे कार्यक्रम बंद करिए, वो कार्यक्रम चालू करिए जिससे जो प्रभावित जो क्षेत्र के लोग हैं उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके शिक्षा में कितना सुधार आया है, उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार आया है, उसके भोजन में कितना परिवर्तन आया, उसके स्वास्थ्य मतलब शारीरिक रूप से कैसा है, ये सब चीज बहुत जरूरी है। और इसके लिए चाहे बस्तर में हो, चाहे कोरबा में हो, कोरिया में हो, तो सारी जगह कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए। बचत जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी 2 अक्टूबर को हम शुरू करेंगे। आपने इसी सिलसिले में अंडे बांटने की शुरुआत की क्योंकि वो आदिवासियों की फूड हैबिट का हिस्सा रहा है नॉनवेज, लेकिन इसको लेकर के जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई, मतलब इस तरीके का बयान आना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है कि एक बड़ा मंत्री ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही है,
इसलिए क्योंकि आपने अंडे बांटने का फैसला किया है। मतलब आपकी सोच कहां पे है इससे पता चलता है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि फिर आपके सामने चुनौती बड़ी क्या है, कुपोषण बड़ी चुनौती है या इस तरह की राजनीति से लड़ना बड़ी चुनौती? देखिए, अंडा बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते। तो जिसका जो निरामिष भोजन करते हैं उसके यहां भी जो उनके बच्चे हैं उनका खाने का स्वाद कुछ और होता है, और जो सामिष भोजन करने वाले हैं उनके जो बच्चे हैं वो निरामिष हो जाते हैं। तो इससे ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता। आप ही अपने घर में रोज दो सब्जियां बनती है तो किसी दिन बच्चा चावल खा लेता है, किसी दिन नहीं खाता, किसी कद्दू पसंद है, किसी को नहीं है। लेकिन आप यदि नॉन वेजिटेरियन है तो आपको जब आप अपने बच्चे जबरदस्ती नहीं कर सकते आपको कद्दू खाना है। उसी प्रकार से अंडा भी है, जिसको पसंद है वो खाए, जिसको पसंद है ना खाए। लेकिन अंडा एक ऐसा है जिसमें मिलावट आप नहीं कर सकते, और वो सभी डॉक्टरों ने कहा ये न्यूट्रिशन के लिए सबसे बढ़िया चीज है। और वहां हम लोगों ने देखा तो बच्चे बड़े चाव, बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे पहले जो खाली परोसा जाता है उसमें अंडा पहले उठाते हैं दूसरी चीजों का परीक्षा। तो जो खाएं उसके लिए वो अंडा उपलब्ध है, नहीं खाना चाहें उसके लिए फल है, और दूसरी जो चीजें हैं जो उसके समकक्ष आता है उसको हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, लेकिन ये चीज कि जो अंधविश्वास फैलाने वाले जो लोग हैं इस प्रकार से अंधविश्वास इस 21वीं सदी में ना फैलाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी जरूर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक बड़ी चीज ये है कि जब भी कोई योजना बनती है तो योजना तो सरकार अच्छे मकसद से बनाती है, ठीक ठाक योजना चलती भी है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है अधिकारियों पर, और अधिकारियों को लेकर के बड़े तबके में चिंता भी रहती है कि आपकी योजना अच्छी है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे वो करेंगे, आप जो सोच रहे हैं क्या उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये एक बड़ी, इस पर नकेल कसने के लिए आपने कुछ सोचा है क्या? देखिए, इसमें तरीका यही है कि आप उन योजनाओं को उन्हीं लोगों के हाथ में सौंप दें, जहां एक कार्यक्रम चला रहे हैं वहीं के लोगों को सौंप दें तो वो लोग बेहतर चलाएंगे। बनिस्बत के अधिकारी के पास बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें एक काम ये भी है, लेकिन जो जिन लोगों की यदि जिनके पास दूसरे कोई काम नहीं है और उसी काम को देंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। तो आज स्थिति ये योजना है, हम लोगों ने गांव वालों को सौंप दिया है और गांव वाले उसको चला रहे हैं, मोहल्ले वाले हैं वो मोहल्ले चला रहे हैं। इसको भ्रष्टाचार मुक्त रखा जाए, निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए। बहुत पवित्र कार्य है और इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गड़बड़ी करेगी, क्योंकि गांव गर्म भोजन बनना है, सब्जी बनना है, अचार देना है, अंडा देना है, तो वो सारे लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं तो उसमें फिर गड़बड़ी कैसे होगी? यदि कमी होगी तो तत्काल शिकायत होगी। अच्छा, इसमें केवल बच्चे भर नहीं है, उसमें महिलाएं भी है जी। जो 14 साल से 15 साल से 49 साल तक की महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, और जो 5 साल के बच्चे, तो सब लोग सामूहिक रूप से भोजन कर रहे हैं, एक साथ भोजन पक रहा है, तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस कम है। बस्तर में आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, हाट बाजार में भी, और पोषण युक्त खाना भी मिल रहा है, हालांकि जांचा नहीं जा सकता लेकिन फीडबैक तो मिलता ही रहता है शासन को, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? कोई इंटरेस्टिंग केस जो आया हो आपके सामने जिसको साझा करना चाहें? पहले तो जब ये बात, ये कार्यक्रम हम लोगों ने लागू करने के लिए कहा तो कलेक्टर ने सभी सरपंचों की मीटिंग ली, सरपंचों ने कहा कि इस कार्यक्रम को हम चलाने के लिए अपने भवन नहीं देंगे। जो शुरुआत हुई वो टेंट से हुई है, एक गांव में टेंट लगाया गया और टेंट में वहीं के जो हमारे स्व सहायता समूह के जो हमारी बहनें हैं उन्होंने भोजन पकाया, और भोजन पका के वो तो जो बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं वो भी चिन्हांकित है, जो महिला एनीमिक महिला है वो भी चिन्हांकित है, उनको सबको आमंत्रित किया गया और भोजन खिलाया गया, सरपंच भी बुलाया गया, तो उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया योजना है, लोग हंसते हुए इस योजना को हाथ में ले रहे हैं। फिर उन्होंने भवन दिया। आज दंतेवाड़ा में, अकेले दंतेवाड़ा जिले में जहां 124 पंचायत है उसमें 109 पंचायत में कार्यक्रम चल रहा है, जबकि इसके खिलाफ नक्सलियों ने पर्चा बांटा है। ये कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए।
नक्सलियन पहचान आता है, तो गांव वाले बोलते हैं हमको बढ़िया गर्म भोजन मिल रहा है, हम क्यों इस कार्यक्रम को क्यों बंद करवाएं, क्यों विरोध करें, क्यों न खाएं। तो इस प्रकार से सरकार लोगों को लगता है कि सरकार हमारे लिए कर रही है। जैसे हाट बाजार क्लिनिक की बात है, जो आपके जिला में अस्पताल है, ब्लॉक में अस्पताल है, उसमें जितने ओपीडी आते हैं उससे कई गुना ज्यादा ओपीडी हमारे बस्तर के हाट बाजार में आ रहे हैं। लोग बाजार तो आते ही हैं, साथ में इलाज चेकअप भी करा लेते हैं, खून की भी जांच करा लेते हैं, दवाई भी मुफ्त मिल रही, सारी टीम वहां पहुंच रही है। तो उसका लाभ कई बार होता है कि बीमारी हो जाती है, छोटी छोटी बीमारी, तो आदमी अनदेखा करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, उसे कमजोरी आ जाती है। हमने बस्तर में ही कितने बार देखा है कि उल्टी दस्त से कितने लोग काल कवलित हो गए। लेकिन अब जब हाट बाजार में जब डॉक्टर जाएंगे, नर्स जाएंगे, पूरा दवाई पूरी किट लेके जाएंगे, तो उसका लाभ लोग उठा रहे हैं और कई गुना ओपीडी, मतलब 5 से 10 गुना ओपीडी बढ़ा है बस्तर के हाट बाजारों में, चाहे वो कांकेर का हो, चाहे कोंडा गांव का हो, चाहे विजयपुर का हो, चाहे सुकमा का हो, सब जगह हाट बाजार देखे, वहां ओपीडी बढ़ी है बहुत ज्यादा। ये बड़ा सवाल है कि पौष्टिक नीति क्या सिर्फ कार्यक्रम चला करके जाहिर तौर पर इसको हासिल नहीं किया जा सकता है? 2004-05 में जो सरकार थी उसने पौष्टिक नीति बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस नीति का क्या हुआ पता नहीं। तो आपके भी एजेंडे में है क्या कि कोई नीति होनी चाहिए पोषण को लेकर के? पोषण के रूप में यह कि जो सभी तत्वों से भरा हुआ भोजन सब लोगों को मिले, उसके बारे में जानकारी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। तो जब तक के अब उसको लिख के बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप चर्चा करके बताएंगे तो लोगों को जल्दी समझ आएगा। ये सारी चीज जन जागृति इस माध्यम से चलाया जा रहा है, आपके भोजन में, आपके थाली में ये इन चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है। यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको मजबूत होना है, तो इन सब चीजों की आवश्यकता है। जैसे कि एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कुपोषण जो है दरअसल माता से आता है, तो पहली जरूरत ये होनी चाहिए कि माताएं अगर जागरूक होंगी, वो शिक्षित होंगी, तो शायद ये स्थिति इतनी खतरनाक नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ गरीबी इसकी वजह नहीं है, बल्कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि फूड हैबिट जो होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब माताएं जागरूक होंगी तो माताएं समझ पाएंगी कि पोषण क्या चाहिए, अच्छा और क्यों जरूरी है। तो इसको लेकर के भी कुछ प्लानिंग है क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसको मेरे पूर्व जो प्रतिभागी यहाँ आके जो बोल गए हैं मेरी बात को तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि जो 15 साल से 49 साल की महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। और वही बात है कि यदि उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चे कमजोर ही होंगे। इसलिए हम दोनों के एक साथ साथ रहे हैं, बच्चों को भी कुपोषण से मुक्त करा रहे हैं और महिलाओं को भी उसके भोजन में, क्योंकि बच्चों से ज्यादा अच्छा माताएं समझेंगी, जो किशोरी हो गई महिला लड़की, किशोरी लड़की उसको जो आर्थिक पढ़ के छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, उनके भी समझाएंगे कि ये कमी आपके शरीर में है और इन तत्वों को आप दूर करें, तो ज्यादा अच्छा समझेंगे। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और केवल अवेयरनेस की बात नहीं, उनके साथ साथ उनको उन सब चीजों को उपलब्ध कराना। जी, एक चीज है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी भाजियां होती हैं और लोग इस बात को लेकर के चिंता भी करते हैं कि 64% पहले जो सब्जियों का जो भोग था एक दशक पहले, वो आज 48% हो गया है। तो इसको ये माना जाता है, यहाँ पे लगे हुए भी तमाम भाजियां जो छत्तीसगढ़ की हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं अलग अलग मिनरल्स के लिए, विटामिन्स के लिए, तो ये जो टेंडेंसी चेंज हो गई है, ये थालियों में ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, क्योंकि सस्ता है, सुलभ है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अभी छत्तीसगढ़ में जितने भाजियों का प्रयोग होता है मैं ये समझता किसी दूसरे प्रदेश में होता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये बताया गया कि ये भाजी में चरोटा भाजी खा दें तो इसे खाने के बाद ये जहरीला होता है तो डर के मारे सब खाना बंद कर दिए, तीवरा भाजी है तो इसमें बाप हो जाता है, इसको छोड़ दो। तो आजकल तो तीवरा ना बोने का अभियान चला है, अभी तो धान के पीछे पड़ गए हैं, लोकसभा में भी चर्चा होने लगी कि हम 1 किलो धान यदि
उत्पादन करते हैं तो इसमें इतना लीटर पानी चल जाता है, हम तो धान एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सबको हतोत्साहित करने का, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जो भाजियां हैं उसका बल्कि रिसर्च करना चाहिए कि इस भाजी में कौन कौन सा तत्व है और उसका उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत सारे जो डॉक्टर बाहर से आए हैं वो तो जो खासकर जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, लेकिन उनको जब बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में इतने प्रकार की भाजियां हैं, उनको लाल भाजी चौलाई भाजी के अलावा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आप चुनचुनिया भी खाएंगे, बर्रा भाजी भी खाएंगे, सब प्रकार की भाजी का उपयोग यहाँ होता है। तो उनको बल्कि उसमें रिसर्च होना चाहिए और रिसर्च करके लोगों को बताना चाहिए कि इसमें इस तत्व की बहुलता है, इनको उपयोग होना चाहिए। मतलब शासन ये काम भी करेगी कि उसके बारे में अवेयरनेस और बढ़ाए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज कि अगर नॉन वेजिटेरियंस की बात करें, क्योंकि हमारी जो ट्राइबल आबादी है खासतौर से और जो गांव में रहती है वो नॉन वेजिटेरियन है, मछलियां बड़ा सोर्स हुआ करती थी उनके लिए, लेकिन अब मछलियों को लेकर के कि ठेके में तालाब चले गए, तालाब पट गए, नदियों से पानी नदियों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह रही है। पानी का दोहन ज्यादा हो रहा है तो पानी, हम ट्यूबवेल खुदाई कर रहे हैं तो हमारे नदी नाले के पानी सूख रहे हैं। तीसरा बात यह है कि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, तो उसके कारण से चाहे नदी हो तालाब हो, आज जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे वो स्कूल के समय में यहाँ के हर तालाब में नहाना जाया करते थे। रायपुर में बहुत सारे तालाब हैं, लोग शनिवार है रविवार है तो कपड़ा लेके चल देते थे नहाने और तय करते थे कि आज नहीं, अपने मित्रों के साथ तय करते कि आज कल हम लोग इस तालाब में मिलेंगे। लेकिन आज बूढ़ा तालाब क्या, रायपुर के किसी तालाब में कोई हाथ में पानी नहीं ले सकता, नहीं चरमरोज हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है। तो फिर जो जीव जंतु वहां रह रहे हैं उसकी स्थिति क्या होगी, तो उपलब्धता भी कमी आ गई। कई लोग बोलते हैं कि जब नॉन वेज है वो बहुत अच्छा सोर्स है तो उनको तो मजबूत होना चाहिए, और हमारे आदिवासी हैं जो बस्तर में रहते हैं या सरगुजा में रहते हैं तो नॉन वेजिटेरियन है। सवाल इस बात को उसको मिलता कितना है, आप पूरे बस्तर में चल लीजिए, एक चिड़िया आपको चहचहाते उसकी आवाज आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे बस्तर से चिड़िया सब समाप्त हो चुका है, तो उनको उपलब्ध कहां से होगा। तो सवाल उपलब्धता का है, और उपलब्ध कराने का काम चाहे साग भाजी से हो चाहे वो अंडे के माध्यम से, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अच्छा, एक चीज और है कि कुपोषण, अगर एक तो डेमोग्राफिकली हम इसको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जहां पे ज्यादा कुपोषण है, लेकिन इसमें कुछ समुदाय भी हो सकते हैं, कोई सामाजिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको पोषण नहीं मिल पाता, और कोई परिवार में ही अलग अलग लोग होते हैं, तो जैसे वर्किंग वुमेन है या फिर कोई घर में रहने वाली महिला है, माइक्रो लेवल पे एक एनालिसिस होना चाहिए ताकि आपको जो आपका टारगेट है वहां तक आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकें। राज्य सरकार के पास सभी आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बस्तर में कुपोषण है, मेरे यहाँ पाटन में भी कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, रायपुर में आपको मिलेंगे, बिलासपुर में शहर में चल दीजिए वहां मिलेगा, किसी भी वो प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार के पास सभी जिलों के सभी शहर सभी गांव के आंकड़े सरकार के पास है, तो उसके हिसाब से उन्हीं बच्चों को उन्हीं महिलाओं को हम उसके लिए सुपोषित योजना चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सबके लिए दरवाजा खोल दिए, जो आंकड़े 37.6% है वो नाम सहित हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। सरकार के तौर पे तो कोशिशें चल रही हैं, सरकार की योजना भी है, लेकिन पार्टी की भी आपकी, जब याद है कि आपके फ्लैक्स लगते थे तो आपने कहा कि योजनाओं के भी फ्लैक्स लगवाओ, तो इसको लेकर के भी है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मैं तो न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी राजनीति के दल और सभी सामाजिक संगठन के लोग, ये कोई एक के भरोसे नहीं होगा, लेकिन सब लोग मिल जाएंगे
और सभी हाथ बटाएंगे। ये बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो यहाँ रायपुर में काम करते हैं, वो काम करना भी चाहते हैं। यदि एक एक गांव का हाथ में ले लें अपने, थोड़ा सा समय दोपहर का एक घंटा निकाल लें, तो उस गांव का कायाकल्प हो जाएगा। तो सामाजिक संगठन के लोग हैं या बहुत सारे संगठन हैं, वो सब सामने आए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, एक और चीज़ की, ये तो दो कार्यक्रम बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल ही रहे हैं, इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और भी प्लानिंग है क्या कि और भी कार्यक्रम इसके लिए लागू किया जाए? आपके दिमाग में कोई योजना हो सरकार बना रही है? शिक्षा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, हमारे जो जितने भी जो हमारे कलाकार हैं उनके माध्यम से, स्कूल में, स्कूल के बाहर, तो इनको सबको हमको टारगेट करना है और एक वातावरण बनाने का आवश्यकता है ताकि इससे हम लोग बच सकें, इससे लड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू।